मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं कुछ दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं कुछ दिन, दो तीन दिन ब्लॉग नहीं बनाई थी। एक्चुअली मील घर में नहीं है, मुझे घर बार मतलब सब कुछ संभालना है और बेगम का एग्जाम चल रहा है तो उसको रिविजन कराना है। ये सब के चक्कर में ब्लॉगिंग नहीं हो पाया, तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। और मेरा जैसे सुबह सुबह स्टार्ट होता है मेरा दिन किचन के साथ, तो ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज थोड़ा लेट से हुआ है। दूसरे दिन क्या होता है कि नींद रहते हैं तो वो 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो मैं सुबह सुबह उठ के मतलब 6:30-7 बजे तक उठ के उनका टिफिन बनाना सब होता है। और आज मैं उठी हूँ आराम से सो के 8 बजे, क्योंकि या बेगम का स्कूल तो लेट से होता है, तो आज बेगम का स्कूल है और स्कूल में आज ड्राइंग एग्ज़ाम दिया है, तो इसीलिए कोई प्रेशर कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। बेगम अभी सो रही है और किचन में अभी दूध चढ़ाई हूँ। चलिए मैं आज आप लोगों के साथ बातें करते करते अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर बनाऊँगी, उसके लिए मैं ब्रेड सेक रही हूँ और उधर सॉस पैन चढ़ाई हूँ चाय चढ़ाने के लिए, चाय बनाने के लिए इतना उल्टा बोलती हूँ मैं, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और पेखम को ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर बहुत पसंद है, तो इसीलिए आज ब्रेड बटर बनाई, हल्का फुल्का ना ब्रेकफास्ट बस। आज बहुत दिन बाद मैं अपना सिलाई मशीन निकाली हूँ। पेखम का जो येलो कलर का सलवार सूट खरीदी थी तो उसको साइड से थोड़ा फिटिंग करना था, पेखम को ढीला हो रहा था, तो उसको मैं ठीक करने के लिए की। और दो साड़ी था मेरा जो पीको करना था, तो उसी के लिए मैं आज सिलाई लेके बैठी हूँ। आज लंच में बन रहा है परवल आलू की सब्ज़ी, यहाँ पे अरहर की दाल हो गया है और ये करेला आलू बॉईल करके रखी, उसका चोखा बनाऊँगी और राइस और कल का फिश है, फिश का एक ग्रेवी है बस, उसी में हमारा माँ बेटी का हो जाएगा, क्योंकि नील तो है नहीं घर में, नील गए हैं ऑफिस के काम से बाहर, वो कल आएँगे। ये मशीन कभी कभी निकालती हूँ मैं, जैसे ये कुछ मतलब फिटिंग करने के लिए होता है घर में, तो उसी टाइम में ये निकलता है। मुझे थोड़ा थोड़ा बनाना आता है, जैसे अपने यहाँ कुर्ती और बच्चों का स्कर्ट फ्रॉक ये सब। मैं जब एमपी में थी तब एक भाभी वहाँ पे है, तो एक कविता दीदी आ गई, रुकिए मैं दरवाज़ा खोल लूँ। मेरे पास एक छोटा सा मशीन था पहले, वो एक मिनी वाला जो सिलाई मशीन आता है ना वो वाला, तो पहले मैं वो खरीदी थी, ऐसे कुछ ऑफर में था, 900 या फिर 999 ऐसा कुछ था, तो उसमें मैं बहुत कुछ बनाई हूँ। तब पेखम थी 1.5 साल की और मेरी बहन की शादी लगी थी, तो उस टाइम क्या हुआ मैं वो मशीन लाई थी और पेखम के लिए जैसे लहंगा छोटा सा और एक साड़ी, वो हम लोगों में क्या होता है कि जो दुल्हन बनती है ना तो उसके लिए एक छोटी दुल्हन भी बनती है, तो मेरी बहन का बहुत शौक था कि मेरी दीदी की बेटी होगी तो उसको मैं अपना वो छोटी दुल्हन, हम लोग नीत कोने बोलते हैं उसको, वो बनी थी। तो उसके लिए जब हल्दी का रस्म होता है तो उसमें भी उसको भी वो छोटी वाली दुल्हन को भी उसको भी ना हल्दी मतलब पीला रंग का साड़ी ऐसा पहनाया जाता है। तो पेखम के लिए अब उतना छोटू सी बच्ची मेरी, उसके लिए मैं कहाँ से उतना छोटा साड़ी लाऊं, और मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एमपी में उतना पॉसिबल भी नहीं था, तो मैं सोची कि मैं एक मशीन खरीदती हूँ और उसमें मैं बनाऊँगी, तो उसका एकदम प्लीट्स करके पूरा रेडी टू मतलब वेयर जो साड़ी होता है ना वैसा मैं एक साड़ी बनाई थी, मेरे पास है, कभी निकालूंगी ना, अंदर में है तो मैं दिखाऊंगी, वो रखी हुआ अभी भी। और एक लहंगा बनाई थी उसके लिए, मेरे एक नेट का सलवार सूट था उसको मैं काट दी थी और जैसे जरी का पार लगा के पूरा एकदम रबर बैंड यहाँ पे इलास्टिक लगा के बहुत सुंदर सा उसका एक लहंगा भी बनाई थी मेरी बहन की शादी में जो पहनी थी, मैं दिखाऊंगी अगर है मेरे पास है, वो अलग से कहीं पर रखा हुआ है। तो ये सब मैं बनाई हूँ। और वो छोटी वाला जो मशीन है ना उसमें क्या कि मैं एक दिन वो पेखम छोटी थी तो उसको ओढ़ने के लिए एक मोटा सा जैसे हाँ मतलब ठंड के टाइम ओढ़ने के लिए बनाना पड़ता है ना, तो मैं सोची कि मैं खुद से बनाती हूँ हाँ बेडशीट ये सब काट के, तो मैं ये काट के उसको बनाने की, तो मोटा था तो उसी में जो उसका मतलब निडल और इसके बीच में एक थोड़ा सा गैप बन गया था,
ज़्यादा। तो उसमें क्या हो जा, मतलब आप जीन्स का कपड़ा सिलो तो सिल जाएगा, मोटा कुछ सिलो तो सिल जाएगा, लेकिन पतला सूती वाला कुछ कपड़ा अगर आपको मतलब फिटिंग करने की ज़रूरत हो तो वो पूरा बेकार हो गया था उस टाइम। तो वो मशीन तो मैं एक जन को दे दी थी कि मैं एक्चुअली फेंकने गई थी, तो वो इलेक्ट्रिशियन मेरे घर में आए थे तभी ठीक करने, तो बोले कि भाभी ये फेंक क्यों रहे हैं, तो मैं ले जाता हूँ, मेरी वाइफ कुछ काम की। मैं बोली ये काम का कुछ नहीं है, इसको ठीक करने के लिए भी गई थी मैं लेकिन ठीक हुआ ही नहीं, बोल रहे कि ये चाइनीज़ ये सब नहीं होता है। बोले ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये उषा का ये वाला मशीन मैं खरीदी थी। तो ये खरीदने के बाद मतलब ये मैं कब खरीदी, तब पेखम शायद 2.5 साल की, मतलब उसके 1 साल बाद ही मैं खरीदी थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं जहाँ पे रहती थी ना वहाँ पे कुछ भी कुर्ती खरीदो कुछ भी खरीदो उसको मतलब ठीक तरह से फिटिंग करने का भी ऐसा टेलर नहीं था। हाँ ऐसा हालत था कि कोई अच्छे से इसको फिटिंग कर दे, ऐसा कोई टेलर नहीं था। तो मैं सोची कि नहीं मैं एक मशीन खरीदती हूँ जो अपना ही रहेगा और आगे आगे सीखती जाऊँगी। तो मुझे उतना पहले से आता नहीं था, जो पेखम के लिए भी मैं बनाई थी वो भी मतलब इधर उधर से देख के, वीडियो देख के, सर्च करके, दिमाग लगा के, ऐसे करके, मतलब कोई पर्टिकुलर मतलब जो एक रूल होता है कि ऐसे काटना चाहिए वो सब मेरे से नहीं हुआ था, लेकिन हो गया था। ये बात है कि मैं बना ली थी लेकिन वो बहुत अच्छे से फिटिंग भी आ गया था। तो ठीक है, इसके बाद फिर मैं ये मशीन ली, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे कल्पना भाभी, उनसे मैं सीखी हूँ, तो उनके पास मैं जाती थी, तो उनको मैं बोली थी कि मुझे ऐसा मतलब बेसिक सिखा दीजिए कि मैं अपना जो है वो कर पाऊँ। तो मैं अपने लिए जैसे वो पटियाला पैंट भी मुझे मतलब सिखाई थी, वो डायरी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक के एक ही बनाई थी अपने लिए और नहीं बनाई हूँ, तो इसलिए मुझे उतना अच्छे से नहीं आएगा। लेकिन कुर्ती मैं बहुत सारा बनाई हूँ मैं अपने लिए और बेटी के लिए भी बनाई थी, फ्रॉक स्कर्ट ये सब मुझे आता है। तो ये थी मेरी ये मशीन की कहानी, ये खरीदना क्यों मतलब क्यों मैं खरीदी थी ये मशीन। अभी शाम हो चुकी है और हम दोनों माँ बेटी सज धज के जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि पेखम के लिए कुछ हेयर बैंड्स क्लिप ये सब खरीदना है उसके मैचिंग का। तो ये आमने सामने जो मिल रहा है वो देखने जा रही हूँ कि कहाँ कैसा मिल रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। कलरिंग है इसको लो, बाहर जाए और आइसक्रीम ना लाए ये हो नहीं सकता। तो उसको एक आइसक्रीम जल्दी जल्दी पहले मैं दे रही हूँ घर में आके, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ली हूँ शॉप से। आज जो खरीदी हूँ वो दुकान पे उतना खास नहीं मिला, मतलब तो उतना अच्छा भी नहीं था। वो पीछे के गेट से मैं गई थी तो उधर में वही एक शॉप है और इधर में और था, लेकिन इसके आइसक्रीम के चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी भाग भाग के आना पड़ा कि ना जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाना है। एक्चुअली उसी शॉप के एकदम ऑपोजिट में वो आइसक्रीम शॉप है और वो उसको पता है, अब बोली कि नहीं मुझे आइसक्रीम खाना है जल्दी चलो जल्दी चलो। तो आइसक्रीम लेके घर आ गई, मैं बोली कि छोड़ो मैं दूसरा दिन फिर उधर साइड में जाऊँगी और लाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा कलर का नहीं मिला। ये ऐसा क्लिप लाई हूँ उसका एक ड्रेस के साथ मैचिंग करके, ठीक हो। ये दो क्लिप लाई हूँ और ये एक बैंड हर कलर का, और उसका पिंक ड्रेस ज्यादा हुआ है इसके लिए एक पिंक हेयर बैंड
और मुझे येलो कलर का चाहिए था, ऑरेंज कलर का चाहिए था, तो मिला नहीं है। तो ये मतलब पेखम को पसंद आया, बोले कि नहीं मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है मम्मा, तो मैं ये ले लूँगी, तो उसके कारण ये ली है। ये मुझे एकदम पसंद नहीं है, और मैं आपने लिए एक रबर बैंड ली हूँ और कुछ नहीं मिला, तो उसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा बोलेंगे तो ये थोड़ा अच्छा लगा, और ये दो क्लिप मिल गया दो जोड़ी, बस यही अच्छा लगा। और बाकी सभी हेलमेट खरीदूंगी धीरे धीरे, इधर वाले और शॉप है उस पे जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल एक न्यू और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।